और अब खबर बाड़मेर के बालोतरा से है, जहां पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से एलसीडी, मोबाइल, नकदी और लाखों रुपए के हिसाब किताब की डायरियां जब्त कर ली हैं। थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह ने बताया कि मुखबिर से शहर में सट्टे से जुड़ी सूचना मिली थी और ऐसे में पुलिस ने मालियों के पास में दबिश देकर 5 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने 5 सटोरियों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया है और लगातार आरोपियों से पूछताछ जारी है पुलिस के द्वारा। मुखबिर से सूचना मिली थी कि 5 सटोरी यहां पर सट्टा लगा रहे थे और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 5ों को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार आरोपियों से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि नकदी सहित लाखों रुपए का हिसाब किताब भी बरामद किया गया है। एक डायरी मिली है जिसमें लाखों रुपए का हिसाब किताब करते थे सटोरी और उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और साथ ही 5ों सटोरियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पुलिस ने एलसीडी और मोबाइल भी सटोरियों से बरामद कर लिए हैं। बालोतरा से खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस ने 5 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है, उनके साथ ही एक डायरी भी जब्त कर ली है जिसमें लाखों रुपए का हिसाब किताब करते थे सटोरी और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता सवाई सैन फोनलाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी सवाई, बताए क्या कुछ है पूरा मामला। जी लविना, मैं बता दूं आपको कि बालोतरा शहर में देर रात कार्रवाई की गई जिसमें 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया जी। उनके पास से काफी संख्या में नकदी और एलईडी सेट बॉक्स, रिमोट कंट्रोल आदि उपकरण बरामद हुए। सवाई ये बताए पूछताछ में क्या कुछ और खुलासा हो पाया है। जी आपको बता दूं कि ये काफी समय से आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते थे और काफी इनका गिरोह है, आगे भी पूछताछ चल रही है। जी सवाई, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि बालोतरा से खबर बता रहे थे जहां पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके साथ ही नकदी के साथ साथ उनकी डायरी भी जब्त कर ली है जिसमें वो लाखों रुपए का हिसाब किताब करते थे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।